हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से अपने जो है कॉल करते वक्त जो है अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे आप आयरन मैन का जार्विस का वॉइस हो गया, या फिर किसी लेडीज़ का वॉइस हो गया, या फिर आप फीमेल हैं मेल का वॉइस, ये सारी चीज़ें जो है आप किस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, वॉइस चेंज कर कॉल में बात कर पाएंगे, ठीक है, ये सारा प्रोसेस किस तरीके से करेंगे आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, आप किस तरीके से जो है अपना ये कॉल का जो है वॉइस चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाए आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी नया वीडियो लाऊंगा इसी तरीके का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए यहाँ पर मैं जो है आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना जो है प्ले स्टोर पे चले जाना है। आपको सिंपल सा अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च करना है, ठीक है, मैजिक कॉल, ठीक है। आपको इतना लिख के यहाँ पर सर्च कर लेना है मैजिक कॉल, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। जाने के बाद आपको सिंपल सा इस ऐप को देख लीजिए। यहाँ पर 3.4 का रेटिंग है, 35 MB का सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर सिंपल सा इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जो है जैसे कंप्लीट होता है मैं इसका सारा प्रोसेस जो है आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस पर जो है आप वॉइस चेंज कर पाएंगे कॉल के दौरान, और जो है इस पर जो भी नंबर जनरेट होगा वो नंबर जो है कोई और नंबर होगा, आपका नंबर नहीं वहाँ पर जनरेट होने वाला कॉल के दौरान, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है यहाँ पर टोटली जो है ऐप इंस्टॉल हो चुका है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल सा मुझे ओपन के लिए यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करता हूँ और आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सिंपल सा ओपन, देखिए यहाँ पर ओपन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ऐप हमारा ओपन होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए हमारा यहाँ ऐप हमारा यहाँ पर जो है स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैजिक कॉल का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहा है, तो हमें सिंपल सा अपना सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर डाल के इसे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और जो भी परमिशन मांग रहा है उसे अलाउ कर देना है, ठीक है। जितना भी परमिशन मांगे आपको सिंपल सा अलाउ करना है, क्योंकि जो है अपना माइक वगैरह का कॉन्टैक्ट वगैरह का डेटा जो है यहाँ पर स्टोर करता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए पूछेगा, तो आपको जो है आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, फिर जो है यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है एक OTP आएगा, ठीक है। OTP आएगा तो OTP को हमें जो है यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे ही हम OTP को एंटर करेंगे हमारा जो है सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे OTP आता है मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ और OTP को एंटर करके भी बताता हूँ किस तरीके का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपना OTP आया है या नहीं। तो ये देखिए अपना OTP जो है यहाँ पर रिसीव हो चुका है, तो मैं यहाँ पर जो है अपना OTP यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अपना जो एप्लीकेशन है वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है 3 क्रेडिट मिला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पास जितना क्रेडिट होंगे आप उतना ज़्यादा कॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इस ऐप का। तो यहाँ पर जो है बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी दिया हुआ है और यहाँ पर सेटिंग वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ प्रोसेस जो है आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर रेफर कर भी अर्न कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होम पेज पे जो दिया हुआ है देख सकते हैं फीमेल वॉइस है यहाँ पर, और जो है यहाँ पर जार्विस का वॉइस है यहाँ पर, ग्रैंडपा, ठीक है, किड, इसी तरीके का सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारा वॉइस चेंज के लिए दिया हुआ है, आपको जिस भी वॉइस में बात करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल से यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप जिस पे भी जिस वॉइस में बात करना है आपको सिंपल से उसके ऊपर क्लिक करना है और जो यहाँ पर कॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कॉल के बटन पर क्लिक करेंगे आपको जो है सिंपल सा ये आपके कॉन्टैक्ट पर लेके आ जाएगा। फिर वहाँ पर साइड पे जो है डायल पैड होगा, आपको सिंपल सा क्लिक करके डायल पैड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास डायल पैड ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जो है अपना नंबर एंटर कर लेना है, ठीक है, आपको जिसे भी कॉल करना है। नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपल सा कॉल बेल बटन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर कॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉल रिंग होगा और जो रिसीवर के पास जो भी नंबर जाएगा वो कुछ अलग नंबर होगा, आपका मोबाइल नंबर नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो है ये प्रोसेस के लिए आपको जो है स्ट्रॉन्ग नेट की ज़रूरत है, ठीक है। इंटरनेट जो है काफ़ी तगड़ा होना चाहिए ताकि आपका वॉइस वगैरह जो है बिल्कुल क्लीन जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर आपका नेट अगर स्पीड होगा तो इस प्रकार से जो है आपका हो जाएगा बहुत ही क्लीन तरीके से
वॉइस से आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप जितना भी वॉइस वगैरह जो है कॉल कर कर बात करेंगे, सारा कुछ जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पर जो है उसका रिकॉर्डिंग वगैरह आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो गया यहाँ पर, तो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑन दिया हुआ है। तो आप यहाँ से सिंपली आके कॉल पे जो है अपना रिकॉर्डिंग कर लीजिए और जो भी बात करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। मेरा यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, वरना मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखा देता, ठीक है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है परफेक्टली वर्क करता है, मैंने इसे ट्राई किया है, तो आप भी इसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर नेट का स्पीड थोड़ा डाउन होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वॉइस वगैरह नहीं जाएगा। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको जो है अपने स्पीड नेट जो भी है आपके वहाँ का आपको उसे लेना है, या फिर वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है ताकि आपका वॉइस ब्रेक ना हो, ठीक है। तो दोस्तों इतना कर लेने के बाद आपका जो है सक्सेसफुली ये वर्क करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा ट्रिक। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।